हमारे साथ में जुड़ रही हैं शीतल वाखरे जी, देश की जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु शास्त्री हैं और साथ ही साथ बाजार की एक्सपर्ट हैं। तो ये दोनों चीजें, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि नंबरों का मामला है बाजार के अंदर में, आंकड़े नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसमें शीतल जी हमारी मदद करते हैं। शीतल जी बहुत स्वागत है आपका शो पे, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। शीतल जी, एक इम्पोर्टेंट वीक चल रहा है, वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है। अभी मैं देख रहा था आईटीसी पे, मैंने एक सवाल पूछा संतोष सिंह जी से, तो वो शेरो शायरी पे आ गए, तो इसे लग रहा है कि शायद मौसम और माहौल वैसे ही है। मैंने उनसे बोला नहीं, थोड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे इस तरीके की चीजें मुझे करने में थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं नाराज ना हो, लेकिन कैसा दिख रहा है ये वीक और इस वीक के अंदर में बाजार कितना गुलाबी हो सकता है? ओके, डेफिनेटली एज पर डेट वाइज अगर आप देखोगे तो यस, क्रूड ऑयल का रेट बहुत अच्छा बढ़ रहा है। मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम जो कर रहा है वो क्रूड ऑयल स्पेशली कर रहा है। सो डेफिनेटली, और उसके साथ में अगर आप देखोगे तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो है ना वो हाइएस्ट हो गया। मतलब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट हम लोग कैसे काउंट करते हैं, लास्ट 10 ईयर का काउंट करते हैं। तो एज पर कंपेयर अगर आप देखोगे तो बॉन्ड का इंटरेस्ट जो है ना वो 1.94 हो गया। तो यस, डेफिनेटली मार्केट के लिए, मतलब लाइक हम लोग उसे बोल सकते हैं, अलेक्स सर आपको पता है मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है, बट हाँ चेतावनी हम लोग उसे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये धोखे वाली घंटा होती है कि मार्केट में एफआईज की सेलिंग, जैसे अभी मैं सुन रही थी सर को कि यस मार्केट में एफआईज का सेलिंग इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट भी बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड का जो इंटरेस्ट है वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वो बुरी तरीके से हमारे लिए है बट उनके लिए बहुत अच्छा, यूएसए मार्केट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एफआईज का बाइंग अगर कम होता है तो तभी हमें जाके समझ लेना चाहिए कि बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। वही अगर आप देखोगे तो यूएसए में भी फिक्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहां पे महंगाई के आंकड़े बढ़ गए, प्लस वहां पे देखोगे तो जॉब का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधरते हुए कल के डेट में हमने देखा था। गोल्ड और सिल्वर दोनों डाउन है, यूरोप एशिया कल के दिन में ठीक ठाक थे ऐसे आप बोल सकते हो। अपने यहाँ पे वोलेटाइल इंडेक्स जो है वो 20.5 है और वही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के लिए काउंट करना है, पुट कॉल रेशियो, वो कल के डेट में निफ्टी का था 1.34। जी, इस हफ्ते में मैं गुलाबों पे और चॉकलेट्स पे और उस पे ज्यादा फोकस करूं या बाजार पे करूं या साइड में बैठा? इस हफ्ते देखिए काफी सारी न्यूज अगर आप देखोगे तो रिलेटेड ऑयल मेटल एंड इसके रिलेटेड है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब भी आपको गिफ्ट्स करने हैं स्टॉक मार्केट में भी, जैसे रिलेटेड आप हो स्टॉक मार्केट में, मैं हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मेरे जो लव वंस है उन्हें अगर मुझे गिफ्ट देना है तो डेफिनेटली मैं वैलेंटाइन वीक पे स्पेशली सजेस्ट करती हूँ कि स्टॉक्स गिफ्ट करिए। एटलीस्ट वो गिफ्ट उनके डिक्शनरी में हमेशा के लिए रहेगा कि एलेक्स सर ने मुझे रिलायंस के 10 शेयर गिफ्ट कर दिए थे, इससे बेहतर गिफ्ट तो कोई नहीं हो सकता है। तो एक बार एलेक्स सर डेफिनेटली सोच लीजिए, मेरे डिमांट अकाउंट नंबर में आपको भेज। अब शीतल जी मुझे ये बताइए कि अगर किसी को स्टॉक्स ही गिफ्ट करने हो, ये आप जैसे कहने की एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो क्या ये स्पेसिफिक होगा हर किसी के लिए अलग अलग की कौन से स्टॉक्स की बात करी जाए, या बाजार के अंदर में कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप अभी इस समय कह सकते हैं कि ये गिफ्ट किया जा सकता है किसी को भी? यस डेफिनेटली, अगर आप देखोगे ना काफी सारी फंडामेंटल न्यूज के हिसाब से फर्टिलाइजर सेक्टर्स अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत में ना फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फैक्ट आरसीएफ और डैप और एनपीके प्लांट लगाने वाली है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे अगले वैलेंटाइन तक आपको और ज्यादा गुलाब के फूल उगाने हैं, तो डेफिनेटली आप आरसीएफ फैक्ट डैप और एनपीए प्लांट जो लगाने वाली है तो यहाँ पे 5 से 5.5 लाख मैट्रिक टन इतना फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लान है, तो आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो अगले हफ्ते के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर द नेक्स्ट फंडामेंटल्स के हिसाब से और दोनों चीजों के हिसाब से, चाहे गुलाब की खेती करनी हो, फूलों की खेती करनी हो और चाहे पैसे की खेती करनी हो, यानी पैसे बढ़ाने हो, पूंजी बढ़ाना हो, तो वो जो खाद चाहिए है
वो फर्टिलाइजर सेक्टर से है और उसको कह रही हैं शीतल जी कि उस पर नजर रखी जा सकती है। और हमारे एक दर्शक हैं विश्वजीत दास जी जो कह रहे हैं कि दीपक फर्टिलाइजर उस मामले में एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ग्रीन अमोनिया पे काम कर रहा है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन एक स्टॉक में हो सकता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है शीतल जी, काम करते हैं आपके साथ में, मैं अलग से और टाइम लेकर के ना एक स्पेशल सेगमेंट बनाते हैं और थोड़ा सा इसको और डिटेल में चर्चा करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत तरीकों से अलग अलग तरीके से आप, क्योंकि उसके अंदर में फिर बहुत सारे एलिमेंट्स आप फंडामेंटल्स के अलावा टेक्निकल्स के अलावा आप उसके अंदर में जो आंकड़ों नंबर्स के हिसाब से न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से और मेरी जो बर्थ नंबर होगा मेरा जो मूलांक होगा उसके हिसाब से अलग अलग आप सबके लिए बता सकते हैं तो उसको एक बार कर लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो मैं आपके पास अलग से आता हूँ, आपसे टाइम लेता हूँ और फिर आपसे इसमें अलग से स्पेशल एक सेगमेंट करते हैं और एक चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो कि इसमें बात कर रहे हैं और इसमें इंटरेस्टिंग अच्छा फीडबैक निकल के आ सकता है। तो दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो ये एक एक तरीका है कि किस तरीके से आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन क्या है और उसके हिसाब से कौन से स्टॉक्स या वैलेंटाइन वीक के अंदर में किस तरीके से चीजों को किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शीतल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच। दीदी शीतल बाखरे जी देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बाजार को पे नजर रखती हैं और बाजार से निकाल करके अंकों को जोड़ करके नक्षत्रों को जोड़ करके हमारे साथ में ये सारी जानकारी शेयर करती हैं।